कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने तैयार किए कौन कौन से हथियार, ओमिक्रॉन को लेकर देश में कैसी है सतर्कता और कोरोना की वजह से किस फिल्म की रिलीज टल गई, महामारी से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 थर्ड वेव वाला। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय और CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कमेटी ने 2 वैक्सीन और 1 दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। भारत में कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से अपने पैर पसार रहा है। देश के 21 राज्यों में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 650 के पार पहुंच चुकी है। देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 6,358 नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो देश में भयावह स्थिति देखने को मिल सकती है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मेट्रो बसों में खड़े होकर यात्रा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। धार्मिक स्थलों में भीड़, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। सिनेमाघर, थिएटर, बैंक्वेट हॉल, जिम और एंटरटेनमेंट पार्क भी बंद रहेंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। 24 घंटे में कोरोना के 331 नए मामले सामने आए, जिनमें ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या 165 हो चुकी है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 0.5% से ज्यादा है। सीएम केजरीवाल ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 167 केस सामने आए हैं। कोरोना के मामले भी रफ्तार पर है। आज तक चले महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 2 मंत्रियों समेत 55 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ भी शामिल हैं। शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म जर्सी को लेकर उनके फैंस को निराशा मिली है। कोरोना के चलते फिल्म के निर्माता अल्लू अरविंद ने जर्सी की रिलीज को टाल दिया है। तेलुगु फिल्म जर्सी के हिंदी रीमेक की रिलीज डेट 31 दिसंबर थी। खेल की दुनिया में भी कोरोना कहर जारी है। टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन और BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली के कोरोना पॉजिटिव होने के अलावा दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग में शामिल इंग्लिश प्रीमियर लीग में अब तक 103 खिलाड़ी और स्टाफ संक्रमित हो चुके हैं। चीन में शानाक्सी प्रांत में कोरोना ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। शियान शहर में 8 महीने का बच्चा संक्रमित मिला है। 24 घंटे में यहां कोरोना के 175 नए केस मिले। लगातार तीसरा दिन है जब शियान शहर में 100 से अधिक मामले रिपोर्ट हुए हैं। बीजिंग ने यहां पाबंदी बढ़ा दी है। स्पेन में कोरोना बेकाबू हो रहा है। खौफ के बीच एक बार फिर मैड्रिड में ट्रेस टेस्टिंग और वैक्सीनेशन बढ़ा दिया गया है। सेंटर्स के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। 24 घंटे में यहां कोरोना के 2,14,619 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।